द्वारा गारंटी स्कीम की शर्तों को पूरा करने पर 3 साल मिल सकती है। उधार राशि व ब्याज इत्यादि CGTSME के सदस्य इकाइयों के अनुसार होता है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत हस्तशिल्पकार निर्धारित बैंकों से लिए गए 50,000 रुपए तक के ऋण पर 3 वर्ष तक ब्याज पर 3% की कटौती पा सकता है। ये धनराशि सीधे बैंकों को हस्तशिल्पकारों से जुड़े खातों में जाती है। ये योजना विकास आयुक्त कार्यालय से पंजीकृत कारीगरों के लिए मान्य है। अनुसंधान एवं विकास स्कीम। अनुसंधान एवं विकास स्कीम के अंतर्गत हस्तशिल्प क्षेत्र में विभिन्न शिल्पों एवं कारीगरों के आर्थिक, सामाजिक सौंदर्य परख एवं संवर्धन आदि पर फीडबैक लेकर उसका अध्ययन किया जाता है। अनुसंधान एवं विकास स्कीम के उद्देश्य: विभिन्न विषयों पर सर्वेक्षण एवं अध्ययन, पर्याप्त सूचना उपलब्ध न होने पर विशिष्ट शिल्पों का सर्वेक्षण व अध्ययन, कच्चे माल, प्रौद्योगिकी, डिजाइन, सामान्य सुविधाओं आदि की उपलब्धता से संबंधित समस्याएं, विशिष्ट क्षेत्रों अथवा शिल्पों के शिल्पियों के रहने और काम करने के हालात, घरेलू अथवा विदेशी बाजारों में विशिष्ट शिल्पों का बाजार मूल्यांकन, समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अनेक क्षेत्रों में विशेष अध्ययन, लेबल लगाने, प्रमाणीकरण में विधिक पर विधिक, मानक, लेखा परीक्षा और अन्य प्रलेख तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता, देश के हस्तशिल्प कारीगरों की जनगणना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के अंतर्गत शिल्पों का पंजीकरण तथा क्रियान्वयन पर आवश्यक अनुवर्तन, सामान्य उत्पादों के लिए हस्तशिल्प मार्क सहित GSI ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन स्टैंडर्ड के पालन में निर्यातकों को सहायता, ब्रांड निर्माण और भारतीय हस्तशिल्प के संवर्धन से संबंधित समस्याओं व मुद्दों को निपटाने हेतु आर्थिक सहायता, आधारभूत संरचना एवं तकनीकी विकास योजना, अंशकालिक क्रियाकलाप के रूप में प्रारंभ हुआ ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग सदियों से शिल्पकारों को रोजगार प्रदान करने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण अंग है। हस्तशिल्पों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता को बढ़ावा देने की दृष्टि से इस परियोजना में शिल्पकारों को आधारभूत संरचना प्रदान की जाती है। शहरी हाट। हस्तशिल्पकारों को विपणन मंच उपलब्ध कराने तथा हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने हेतु देश के महानगरों, राज्यों की राजधानियों, पर्यटन एवं व्यापारिक महत्व के स्थलों पर शहरी हाट या फूड एंड क्राफ्ट्स बाजारों की स्थापना की जाती है। आयोजकों के लिए सहायता राशि 3 करोड़ रुपए तक। पात्रता: हस्तशिल्प या हथकरघा निगम, पर्यटन विकास निगम, केंद्रीय या राज्य सरकार संस्थाएं, शहरी स्थानीय संस्थाएं आदि। एम्पोरियम्स की स्थापना। देश के विभिन्न शहरों में व्यापारिक महत्व के स्थानों पर खरीदे हुए या किराए के भवनों में एम्पोरियम्स की स्थापना और वित्तीय सहायता का प्रावधान है। महानगरों में विपणन एवं सोर्सिंग हब की स्थापना। शिल्पकारों को हस्तशिल्पों का उचित दाम हासिल कराने के लिए भारत के महानगरों, शहरों और कस्बों में हस्तशिल्पों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग एवं सोर्सिंग हब की स्थापना की गई है। वित्तीय सहायता की राशि 10 करोड़ रुपए तक। पात्रता: हस्तशिल्प या हथकरघा निगम, पर्यटन विकास निगम, पंचायती राज संस्थाएं, केंद्रीय या राज्य सरकार संस्थाएं, निर्यात प्रचार निगम, व्यापार निगम, शहरी स्थानीय संस्थाएं आदि। डिजाइन एंड क्राफ्ट स्कूल। शिल्पकारों को शिल्प आधारित प्रशिक्षण देने के लिए राज्यों में डिजाइन एंड क्राफ्ट स्कूल की स्थापना की गई है, जिसमें शिल्पकारों को नवीन डिजाइन और शिल्प आधारित प्रशिक्षण दिया जाता है। आयोजकों के लिए वित्तीय सहायता की राशि 2.5 करोड़ रुपए तक। पात्रता: केंद्रीय या राज्य सरकार संगठन, पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय संस्थाएं आदि। हस्तशिल्प संग्रहालय। हस्तशिल्पों में बसी भारतीय विरासत।
एवं शिल्प गुरुओं या मास्टर क्राफ्ट्समैन के द्वारा बनाई गई शिल्प कृतियों को संरक्षित रखने के लिए विभिन्न स्थानों पर हस्तशिल्प संग्रहालयों की स्थापना की गई है। संग्रहालयों की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा सहायता राशि 1 करोड़ रुपए तक है। पात्रता: हस्तशिल्प या हथकरघा निगम, पर्यटन विकास निगम, केंद्रीय या राज्य सरकार संस्थाएं, निर्यात प्रचार निगम आदि। डिजाइन बैंक: हस्तशिल्पकारों को नवीनतम डिजाइन, कच्चे माल की उपलब्धता व नई तकनीकों आदि की जानकारी देने के लिए डिजाइन बैंक की स्थापना की गई है। सहायता राशि 60 लाख रुपए। पात्रता: NIFT, NID, IICT, BCDI, MHSC, NCDPD, SIDC, हस्तशिल्प या हथकरघा निगम, पर्यटन विकास निगम। निर्यातकों व लघु उद्योग के लिए तकनीकी विकास में सहायता। हस्तशिल्पों के निर्यात में लगे संगठनों को उत्पाद विकास और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों व लघु उद्यमियों को नई तकनीकों से लैस मशीनें उपलब्ध करवाई जाती हैं। सहायता राशि 60 लाख रुपए। क्राफ्ट्स विलेज में हस्तशिल्पों तथा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पर शिल्पकार हस्तशिल्पों का सृजन एवं बिक्री कर सकते हैं। आयोजकों के लिए वित्तीय सहायता की राशि 10 करोड़ रुपए तक। पात्र संगठन: केंद्रीय या राज्य सरकार संस्थाएं, स्थानीय सरकारी संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय संस्थाएं, निर्यातक संघ आदि। शिल्प आधारित संसाधन केंद्र: शिल्प आधारित संसाधन केंद्र में हस्तशिल्पकारों को एक ही स्थान पर तकनीकी, विपणन, बाजार सूचना, कच्चे माल व उत्पादों की जानकारी प्रदान की जाती है और इसके लिए 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता भी दी जाती है। सामूहिक सुविधा केंद्र: इस परियोजना में शिल्पकारों को एक ही स्थान पर क्वालिटी कंट्रोल, नए डिजाइन व तकनीकों का प्रयोग, हस्तशिल्पों का उचित मूल्यांकन आदि की सुविधा प्रदान की जाती है और इसके लिए 3 करोड़ रुपए तक की सहायता राशि भी दी जाती है। कच्चा माल डिपो: कच्चा माल डिपो में हस्तशिल्पकारों को सही गुणवत्ता वाला कच्चा माल उचित दाम पर प्रदान किया जाता है और इसके लिए 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता भी दी जाती है। टेस्टिंग लैब: इस परियोजना में कच्चे माल एवं उत्पादों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए टेस्टिंग लैब्स की स्थापना की गई है और इसके लिए 1 करोड़ रुपए तक की सहायता राशि भी दी जाती है। समन्वित हस्तशिल्प पार्क: समन्वित हस्तशिल्प पार्क में हस्तशिल्पकार एक ही स्थान पर हस्तशिल्पों के लिए प्रशिक्षण, उत्पादन, पैकेजिंग व बिक्री का प्रावधान है। इसके साथ ही शिल्पकारों को रहने व काम करने का स्थान भी दिया जाता है। आयोजकों के लिए सहायता राशि 25 करोड़ रुपए। शिल्प आधारित संसाधन केंद्र, सामूहिक सुविधा केंद्र, कच्चा माल डिपो, टेस्टिंग लैब तथा समन्वित हस्तशिल्प पार्क संबंधी पात्रता व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विभिन्न विकास आयुक्त कार्यालय हस्तशिल्प। मानव संसाधन विकास स्कीम: शिल्पकारों के कौशल उन्नयन एवं कार्यबल बढ़ाने के साथ साथ नई तकनीकों एवं डिजाइनों द्वारा हस्तशिल्पों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए व हस्तशिल्पों को सक्षमता प्रदान करने में मानव संसाधन विकास स्कीम ने अहम भूमिका निभाई है। प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण: शिल्पकारों को मौजूदा कार्य कौशल को बढ़ाने के लिए मास्टर क्राफ्ट्समैन व अन्य प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। मान्यता प्राप्त संस्थानों को सहायता राशि 1 करोड़ 45 लाख रुपए प्रति 5 वर्ष। कार्यक्रम की अवधि 4 सप्ताह से लेकर 4 महीने तक। पात्रता: ITI, पॉलिटेक्निक, राज्य या केंद्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थाएं। हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम:
हस्तशिल्पों के उत्पादन विकास के दृष्टिकोण से शिल्पकारों का कार्यबल बढ़ाने हेतु शिल्पकारों को तकनीकी और व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रेनिंग की अवधि है तकनीकी प्रशिक्षण 4 सप्ताह से 4 महीने तक, व्यवहार कौशल प्रशिक्षण 2 से 12 दिन तक। गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रशिक्षण। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत मास्टर क्राफ्ट्समैन या शिल्प गुरुओं के द्वारा 15 नए या सेमी स्किल्ड कारीगरों को शिल्प आधारित डिजाइन एवं तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्यक्रम की अवधि है 2 से 6 महीने। भीमराव अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना। वर्तमान समय में हस्तशिल्पकारों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण हस्तशिल्प उद्योग प्रभावित हुआ है। हस्तशिल्पकारों को इन सभी समस्याओं के निवारण प्रदान करने के लिए भीमराव अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत कुछ कदम उठाए गए हैं। शिल्पकारों को सामूहिक सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से स्वावलंबन समूह में संगठित कर हस्तशिल्प निर्माण, बाजार सूचना एवं लघु उद्योग का संचालन का प्रशिक्षण व सहायता राशि प्रदान की जाती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना कारीगरों को कौशल उन्नयन, आधारभूत ढांचा आदि की उपलब्धता इन योजनाओं के द्वारा सुनिश्चित करती है। डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम, विपणन सहायता एवं सेवाएं स्कीम, मानव संसाधन विकास स्कीम, अनुसंधान एवं विकास स्कीम, कारीगर व्यापक कल्याण स्कीम, आधारभूत संरचना स्कीम। योजनाओं और वित्तीय सहायता संबंधी अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विकास आयुक्त कार्यालय हस्तशिल्प। विकास आयुक्त कार्यालय के द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ हमारे देश के भिन्न भिन्न कस्बों, हमारे गांव, हमारे शहरों और हमारे घरों में जो अनगिनत कारीगर काम कर रहे हैं उनके बीच में पहुंचाया जा रहा है। 12th 5-year प्लान के अंतर्गत जो हमारी स्कीमें हैं उनके कुछ कंपोनेंट में हमने बदलाव किया है, उसको हमने कार्यालय के वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। साथ ही साथ ये सारी जानकारी आप हमारे कार्यालय के डिफरेंट मार्केटिंग सेंटर्स और हमारे रीजनल ऑफिसेस और वो तमाम संस्थाएं जो हमारे साथ काम कर रही है आप उनसे भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी कोशिश है और हमारा प्रयास है कि हम इस फिल्म के माध्यम से अपनी तमाम योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सकें और हमारी तमाम योजनाओं का लाभ उन सभी हस्तशिल्पकार कारीगरों को मिले जो अभी तक इनसे वंचित है। हम चाहते हैं कि आप सभी कारीगर हमारी सारी योजनाओं का लाभ उठाएं, जिससे कि भारतीय हस्तशिल्प का विकास हो सके और इसके साथ ही आप सब एक अच्छी जिंदगी बिता सके। कभी ना भूलें आप देश की शान हैं और हमें आप पर नाज है। हम आशा करते हैं कि हस्तशिल्पकारों की आने वाली पीढ़ियां भी इन पुरातन और पारंपरिक कलाओं को अपनाएं और समस्त समाज उन्हें बढ़ावा दे। इससे ना केवल वो अपनी और परिवार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकेंगे बल्कि विश्व के बाजारों में भारत को गर्वित स्थान दिलाकर अपनी और देश की उन्नति का भी कारण बनेंगे। इन्हीं मनोकामनाओं और शुभ आशाओं के साथ नमस्कार। हस्तशिल्पकारों का कल्याण, राष्ट्र का उत्थान।